छाता तहसील के लगे समाधान दिवस में तहसील में तैनात एक कानून गो पर सेवा शुल्क लेने का आरोप लगा है। वहीं छाता तहसील में RI के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देकर छाता SDM से शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि छाता कस्बे पर एक लेखपाल को RI का दायित्व दिया गया है। जो भी व्यक्ति उसके पास काम के लिए जाता है तो वह बिना सेवा शुल्क के कार्य नहीं करता। इस पर आज SDM छाता को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि SDM छाता हनुमान प्रसाद मौर्य ने उन्हें आश्वासन दिया है इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे सहयोगी हैं हरिओम जी, इनके दादाजी का देहावसान हो गया था 7 अप्रैल को। उसके बाद इन्होंने बारिसान दर्ज कराने के लिए संबंधित लेखपाल को प्रार्थना पत्र दिया कि आप मेरा बारिसान इसमें दर्ज करा दें। तो लेखपाल महोदय ने इनसे कहा कि अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, आप जनसेवा केंद्र से कराइए। तो ये 25 सितंबर को जनसेवा केंद्र गए, इन्होंने अपना वहाँ बारिसान दर्ज कराने के लिए आवेदन कराया और उसकी छाया प्रति लेकर लेखपाल को उपलब्ध कराई। अब इन्होंने मुझे बताया, इनसे कई बार अवैध रूप से पैसे की मांग करते हैं, बोले मैं नहीं करूँगा, आप चाहे कहीं से शिकायत कर दो। दरअसल यहाँ एक प्रभारी RI बनाया हुआ, उनको राजस्व निरीक्षक लेखपाल हैं और काफ़ी विवादित आदमी है। अधिवक्ता लोग भी, अन्य लोग भी यहाँ परेशान रहते हैं उनकी कार्यशैली से। हसन मोहम्मद उनका नाम है। तो हमने माननीय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय से हमने यही अनुरोध किया है कि इनकी शिकायत को गंभीरता से लें और कोई सक्षम अधिकारी वहाँ बैठा दें ताकि ऐसे जो लेखपाल हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सकें, लोगों की समस्या का समाधान हो। इसी के संबंध में हमने उनको प्रार्थना पत्र दिया। क्या आश्वासन दिया गया? SDM साहब ने हमें जांच करके आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि वहाँ कोई सक्षम अधिकारी वहाँ नियुक्त किया जाएगा, इस लेखपाल से कार्य नहीं कराया जाएगा।